कहिंदे ने जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, ये जे गल्लां जे ढुकदियां ने तां तां ढुकदियां जो कि ये किसी सियाणियां वल्लों जो बनाईआं गईआं। हाँ जी भाजी, तुहानूं किन्ना टाइम हो गया थे जो है जुत्तियां दा कम करदिआं? कम देखो जी, मैनू तो इस टाइम हो गए 34-35 साल, मतलब कि साड़ियाँ चार पीढ़ियाँ तो यही काम चलता पिया साडा। पहला मेरे दादा जी सी, फिर मेरे फादर साहब ने फोन, मैं हूँ, मेरा एक बेटा है नाल। हाँ जी, वो हूँ, मतलब कि मैं उन्होंने इस करके नाल ही रखे है कि असी अपनी विरासत नू नहीं भुलना। अजकल का तो जूता हो गया कि असी कनेडा जाना, USA जाना, आस्ट्रेलिया जाना, तो पर मेरी सोच सी कि असी अपने विरासत नू नहीं भुलना, तो इस करके असी अपना काम करते हैं, किरत करते हैं और अपना ही माल, मतलब कि जुत्तियाँ असी बेचते हैं। साडा मतलब कि जद्दी काम एहो काम है पंजाबी जुत्ती। कहिंदे ने जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, ये जे गल्लां जे ढुकदियां ने तां तां ढुकदियां जो कि ये किसी सियाणियां वल्लों जो बनाईआं गईआं। ये ढुकदियां तां ने क्योंकि ये पंजाबी विरासत जिहड़ा जो है, पंजाबी दी जो विरासत है उस दे नाल जुड़ी हुई है, ते वह विरासत है पंजाबी जुत्ती। तुहानूं दस्सणा चाहवां कि पहलां ते तुहानूं मैं दिखाउणा चाहवांगा जो इत्थे जो तुसीं पंजाबी जुत्ती देख रहे हो, ये जो पंजाबी जुत्ती है ये अमृतसर दे विच ही तुहानूं देखण नूं मिलेगी। जे कोई दरबार साहब, श्री हरिमंदर साहब जां अमृतसर वाघा बॉर्डर जे कोई भी टूरिस्ट आउंदा है तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जुत्तियां जो ने इन्हां नूं देखण नूं मिलदियां अते इस नूं जो है जरूर जो है खरीददा है। उसके चलदे ही तुहानूं दस्सणा चाहवांगे अमृतसर की जो चीज़ ने, बहुत ही चीज़ा जो मशहूर ने, पर उसके चलद जो जुत्ती है ये बहुत ही राजे महाराजों तो चलती आ रही है, तो ये जुत्ती उस वेले भी पाई जा सी पर अज भी पाई जा। इस बारे ही अज ही गलबात करते हैं जिन्होंने नाल इतने जो दुकान के मालक ने जिन्हों वालों जुत्तियाँ जो इतने लगाई गई इतने दुकान जो बेचते हैं उन्होंने गलबात कर लेंगे, जानते हैं कि जो जुत्ती है कितों आँदी, किमें बनती, किदा है, तो की पहले तो अज समय के फर्क है। हाँ जी भाजी, पहले तो तुहाडा नाम की है जी? अमरजीत सिंह जी। हाँ जी भाजी, तुहानूं किन्ना टाइम हो गया थे जो है जुत्तियां दा कम करदे आ? कम देखो जी, मैनूं तो इस टाइम हो गए 34-35 साल, मतलब कि साड़ियाँ चार पीढ़ियाँ तो यही काम चलता पिया साडा। पहला मेरे दादा जी सी, फिर मेरे फादर साहब ने फोन, मैं हूँ, मेरा एक बेटा है नाल जी। हाँ जी, वो हूँ, मतलब कि मैं उन्होंने इस करके नाल ही रखे है कि असी अपनी विरासत नू नहीं भुलना। तो लोग अजकल का तो जूता हो गया कि असी कनेडा जाना, USA जाना, आस्ट्रेलिया जाना, तो पर मेरी सोच सी कि असी अपने विरासत नू नहीं भुलना, तो इस करके असी अपना काम करते हैं, किरत करते हैं और अपना ही माल, मतलब कि जुत्तियाँ असी बेचते हैं। साडा मतलब कि जद्दी काम एहो काम है पंजाबी जुत्तियाँ। जी हाँ, तुसी सुनिया चार पीढ़ियाँ तो यह काम चलता आ रहा, एक बहुत ही वड्डा समा है कि चार पीढ़ियाँ ने जो कि इस चीज़ में, इस विरासत नू संभालिया पिया। उद्दे चलदे भाजी, वैसे तुहाडे कदी बच्चे ने डिमांड की होगी कि मैं बाहर जाना कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी जी, देखो हर कोई जिस तरह कोई देख देख के कहते हैं कि पापा मैनू भी तुसी कनेडा भेज दो जां आस्ट्रेलिया भेज दो, पर मैं अपने इको गल बेटे समझाई है कि बेटा देखो बाहर जाके भी ना आपां नूं काम ही करना पैना, कि उत्थे रोटी भी तुहानूं आप पकानी पैनी है, काम भी आप ही करना पैना, पर जिहड़ी साडे महाराज ने सानूं बख्श दित्ती है इत्थे, असी गुरु रामदास जी दे चरणां च बैठे हैं और असी अपनी किरत करदे हैं, साडी चार पीढ़ियां इत्थे ही काम कर रही हैं जी। तो हाँ जी भाजी, हम जुत्तियाँ दिखाओगे कि किस तरह की, किमें जुत्ती जुत्ता आ जी आई है? यह देखो जी, इन्हू पंजाबी खुस्सा कहिंदे है, ये मतलब कि बहुत अज तो तुसीं ला लो कि 200-250 साल तो पुरानी चीज़ां चलदियाँ आ रही ने, जिहड़ियां कि मतलब कि साडे जिहड़े महाराज रणजीत सिंह जी होए ने, एडे एडे मतलब कि योधे होए ने अपने, तो इस चीज़ नूं इह पांदे सी, मतलब कि यह साडी सब नूं पुरानी विरासत है, पंजाबी खुस्सा कहिंदे सी इहनूं पहलां, तो यह जिहड़ी चीज़ है सारा मतलब कि हैंडवर्क होंदा सारा जी। जिदा कि हाँ जी, तुसीं तस्वीर च देख सकते हो कि पूरा एक हैंडवर्क है, महाराजा रणजीत सिंह जो कि पंजाब के शेरे पंजाब हो गए उन्हां वल्लों जो है इदां दीआं जो जुत्तियां पाई जांदियां। ते भाजी किन्ना क टाइम लगदा ते किन्ना बरीकी दा काम है? ये देखो जी, एक दिन दो दिन लग जांदे ने ये वर्क करदे आ, ये जिहड़े घरां दे विच लेडीज़ काम करदियां ने ना, ये हैंडवर्क करदियां ने, तो ये बाद विच ये सिलाई हुंदी है जी, एक दिन च सिर्फ एक जां डेढ़ पीस दो पीस तैयार हुंदे आ जी।
जुत्ती तैयार होंदी है जी सारी। अच्छा। और सारी हाथ नाल सीती जुत्ती जांदी है जी। और साडे कोल मतलब कि हर तरह की तुहानू वैरायटी मिलेगी, जिस तरह जिहड़े मैरिज टाइम ते पाउंदे शेरवानी वालियां, और बच्चे दी जुत्तियां मिलनगियां तुहानू, प्लेन जुत्ती मिलेगी तुहानू, मतलब कि हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी। जिस तरह कि तुसी देख सकते हो बच्चों वास्ते भी एक बहुत ही बरीकी ना जो इहदा काम किया गया है, तुसी देख सकते हो छोटा जिहा एक साइज है कि बच्चा भी इस नूं पा सकता है। एक होर भी तुसी देख सकते हो कि बच्चों के भी नाप दी इत्थे तुहानू जो जुत्ती मिल जूगी। देखो जी एक है चीज़ है ये साढ़े मतलब कि पुराने बजुर्ग जिहड़े इस चीज़ नूं लाइक करदे सी, जदों अपना पंजाबी कल्चर हुंदा सी ना कुर्ता पाउणा ते चादरा बनना, ते ये चीज़ उस चीज़ की की कहिंदे जुत्ती पंजाबी ते शान नवाबी, ये जिहड़ी चीज़ है ना जी अपनी बहुत पुरानी विरासत की चीज़ है। और अजकल दे जिहड़े जनरेशन है जिहड़ी है जंग है वह ब्रांडां वल भजदी है कि ब्रांड पाउणा, पर जिहड़ी यह चीज़ है ये अपने विरसे नूं भुलनी नहीं चाहीदी। ये साडी बहुत मतलब कि पुरानियां 100-150-200 साल तो चीज़ां लोग पाते आ रहे हैं, पर सानूं इस गल की एक हैरानगी हो रही है कि जिहड़ा साडा मतलब कि देखो गोरे लोग आते हैं, तो मतलब कि गोरे लोग आते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा लाइक करन लग पे अजकल, पर साडे पंजाबी जो उन्होंने कोई चीज़ चाहिए है जिस तरह कोई फंक्शन आ गया और ही लाइक करते हैं। हाँ जी जी हाँ सुनिया वा कि जो लोग ने अच्कल ब्रांड के भजते जा रहे हैं, पर कितना कित जो ने कि इस चीज़ा भी भुलते जा रहे हैं कि महंगी हज़ारा दो ने ब्रांड दीज़ा पागे, पर जो ये जो चीज़ है यसे ना जरूरी है भाजी होर भी कि ने लेडीज़ है जुत्ती जी, ये मतलब कि सारा हैंडवर्क हों जी अभी ये मतलब कि सारा मतलब कि पार्टी वेयर जुत्तियां होंदियां जी। हाँ जी ये कैमल लैदर ते है जी, इहदा भी मतलब हैंडवर्क है, ये पाकिस्तानी जुत्ती है जी। ये जदों मतलब कि साढ़े कोलो कोई फ्रेंड सर्कल च कोई जांदा तो फिर असी उधरों कोई दो दो चार चार पीस मंगा के एक अपनी दुकान की शान बनाने वास्ते ये चीज़ा असी रखते हैं जी। पाकिस्तान मंगाई जाती है। हाँ जी ये जो साढ़े को जिस तरह जा जाते ना गुरु नानक देव जी के मतलब कि तो दिवाली टाइम पर जाते हैं, तो कोई फ्रेंड सर्कल जाते हैं ना जिस तरह, तो उन्होंने को इस तरह के दो दो चार चार पीस मतलब मंगाए जाते हैं, तो मतलब कि मैं तुम्हें अपनी होर भी वरायटी दसदा। वैसे गल की जाए कोई ट्रेंड भी चेंज हों इस चल जो अजकल की जनरेशन है ना अजकल यह चीज़ा पाँदिया ने, पर यह जी चीज़ है ना ये मतलब कि लैदर नहीं होंगे ओनली प्लास्टिक होंगे, मतलब कि जी ओरिजिनल पंजाबी जुत्ती होंगी है ना वो दिस वन जी जी हैंडमेड होंगी है, ये प्योर लैदर की जुत्ती है जी। हाँ जी जिस तरह की जी हाँ तुसी तस्वीरां च तुहानू असीं दिखाया वा कि जो जुत्ती है वह बड़े ही तरह की जो है हुण पंजाब दे विच बनन लग गईआं ने, पाकिस्तानों भी जो है इस नूं जो है मंगाया जांदा अते इहदे विच तुसी लेडीज़ जेंट्स कोई मतलब कि जे कोई बंदा वह भी पा सकता, कोई छोटे छोटे बच्चों की भी जो इत्थे जुत्ती हैगी है, तो उसके चलते ही जो है इन्हों वालों जो है कि विरासत नूं संभाल के जे चौथी पीढ़ी भी जो है इन्हों का हुण काम कर रही है, तो सानू भी कितना कितना जो अपनी विरासत नूं है भुलना नहीं चाहिए। वंशी कवल D5 चैनल पंजाबी अमृतसर। होएगी किसानां दी गल, नवी खेती मशीनां बीजां ते बागां दी गल, लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 बजे D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी। हुणे सब्सक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।